छत्तीसगढ़ के वन मंत्री और पूर्व में भी मंत्री रहे केदार कश्यप हमारे साथ में, हम उनसे ही समझेंगे कि बजट आने वाला है, बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है, वन विभाग के साथ में अन्य क्षेत्रों पर किस तरीके से विकास की सरकार की योजना है। सबसे पहला सवाल तो यही है कि बस्तर को कैसे आप तस्वीर वहाँ की सुधरेगी, नक्सलवाद से किस तरीके से मुक्ति, न केवल बस्तर बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में जो हमारे वनवासी भाइयों का तेंदुपत्ता की का दर जो है 5,500 रुपये करने का जो निर्णय ले किया गया है, मोदी जी की गारंटी को हमको निचले स्तर पर उतारना है और 100% हमको तेंदुपत्ता खरीदी करनी है, ये तय हुआ है। और उसके साथ साथ अनेक योजना के माध्यम से शिक्षा में, स्वास्थ्य में, अधोसंरचना में, महतारी बंधन के माध्यम से हमारे माताएं बहनों को लाभ देने का काम सरकार में किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस योजना को पहुंचाया जाएगा। हसदेव एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है, लगातार पूर्व में जब आप लोग विपक्ष में थे तब कांग्रेस भी इस मुद्दे को लेकर कहती थी और अब बीजेपी भी इस मुद्दे को लेकर कह रही है, लेकिन उन तक ये बात, ग्रामीणों तक ये बात क्या नहीं पहुंच पा रही जिसके कारण उनका जो आंदोलन है वो अभी तक स्थगित नहीं हुआ। देखिए, मेरे पास में हसदेव से संबंधित जो विषय था, अभी कोई पेड़ तो काटा नहीं जा रहा है और जब कांग्रेस की सरकार जब केंद्र में थी तभी वहाँ पर जो माइनिंग का काम है वो दिया गया था और आज कांग्रेस के लोग यदि आरोप लगाते हैं तो ये बड़ा हास्यास्पद है। क्या उसकी कोई जांच वगैरह होगी जिन्होंने पेड़ काटा है या जिस तरीके से नियमों की अगर वहाँ पर अवहेलना हुई हो तो? जो विधि सम्मत होगा वो हम पूरी तरीके से उस पर कार्रवाई करेंगे। तो ये केदार कश्यप थे हमारे सामने जिन्होंने कहा है कि हसदेव को लेकर कार्रवाइयाँ विधि सम्मत की जा सकती हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार इस सरकार में योजना और वन क्षेत्रों को संरक्षित करने के साथ में उन क्षेत्रों पर, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों पर किस तरीके से काम करेगी, ये बता रहे थे वन मंत्री। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि बजट में इसके लिए किस तरीके का प्रावधान आता है और भविष्य में क्या कुछ योजनाओं का लाभ उन ग्रामीण अंचलों तक पहुँचाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ से संतोष साहू के साथ अमित मिश्रा।